शिवपुरी जिले की पिछौड़ तहसील के अंतर्गत भौती के ग्रामीणों ने कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के दबंगों ने उनका रास्ता बंद कर दिया है, इससे आने जाने में परेशानी हो रही है। जब ग्रामीणों ने क्षेत्रीय तहसीलदार से कहा कि अगर रास्ता नहीं खुलवाया तो सब लोग मर जाएंगे, भौती ग्राम के पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मांग की कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कौन से गांव से आए हो? ग्राम भौती से आए, मजरा बंजरिया ग्राम भौती। तो क्या समस्या लेके आए कलेक्ट्रेट में? कलेक्ट्रेट में सर हमारी रास्ता बंद कर दी गई है, 2 महीने से और दर दर भटक रहे हैं और रास्ता नहीं खुली है, इसलिए फिर हम यहाँ आए। कौन ने कर दी? रास्ता बंद कर दी है श्रीपत मेहरवान जी रजकन ने। तो पहले चल रही थी रास्ता हमारी? पहले रास्ता खुली थी लेकिन अब उन्होंने बंद कर दी है। 100 साल से निकल रहे हैं वहीं से, वहाँ 40 आदमी का परिवार रह रहा है और सर हम पूरे न बच्चा न कोई पढ़ नहीं निकल पा रहा है, न खाने के लिए आटा पानी कुछ लेने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। शिकायत की थी मैडम के पास भी, हमारा मैडम को आवेदन दिया था श्री ज्योति लक्षाकार, तहसीलदार नहीं मैडम है, ग्राम भौती में इनका चारा जे। तो क्या बोला तहसीलदार मैडम ने? तहसीलदार मैडम से मैंने कहा कि मैडम हमारी रास्ता बंद कर दी गई है और हम मर जाएं क्या? तो बोली कि मरना है तो आप मर जाए, किडनी निकालो। हमने कहा मैडम हम फांसी लगा लेंगे, जब रास्ता नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे क्या? बोली अगर तुम्हें फांसी लगाना है तो अपनी किडनी दान कर दो, फिर फांसी लगा लेना तो तुम्हारा परोपकार भी हो जाएगा, ये मैडम ने कहा।